वेलकम टू जूम अर्चना, हमसे बात करने के लिए। जी, हमारा पहला सवाल है, आपका जो बिग बॉस का सफ़र था वो कैसा था? वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, फन था, और जो उसमें जो चीज़ें हुई है ना, लाइक शायरी का टैलेंट है, लड़ाई का टैलेंट, उंगली का टैलेंट, तो वो मेरे में दिखाई दिया। और मैं अब बाहर देख रही हूँ कि मैं कभी रील्स देखती हूँ अपनी, तो मैं हंसते हंसते सीरियसली पागल हो जाती हूँ कि मैंने क्या कर दिया। बट वो चीज़ें पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब फुल और इन्जॉयमेंट रहा। आपने बिग बॉस से क्या सीखा घर में जाने के बाद? सब जो मेंबर्स थे बिग बॉस के, उनके साथ आपका जो बॉन्ड था, जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैंने ये सीखा कि दिल के साथ साथ दिमाग का यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि भैया गुस्सा करना बहुत कम कर दो, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को जोड़ के चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं वैसे ही थी, जोड़ के चलती थी, बट बिग बॉस में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी कि कभी गुस्सा गुस्सा वाली हो जाती थी। बट अभी जब मैं बाहर आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल है, और मैं उसको और ज़्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी थी ही नहीं जो मैं बिग बॉस में बन गई थी, ज़्यादा गुस्से वाली। तो उस चीज़ को मुझे कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज़ जैसे कि मेरे लैंग्वेज को बोला जाता है कि मेरी गंदी लैंग्वेज है, तो मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ कि भैया मेरी कोई गंदी लैंग्वेज नहीं है, मेरी वो लैंग्वेज थी, बट हाँ मैं मुंबई में मतलब चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगी, तो थोड़ा इंग्लिश का भी प्रयोग करूँगी और थोड़ा अपनी ज़बान पे भी थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी। तो ये चीज़ें मैं करना चाहूँगी, प्यार से बात करूँगी। अर्चना, क्या आपको लगता है कि आप टॉप 5 में आ जाएंगी? आपको ऐसा लगता था आप आ जाएंगी टॉप 5? स्टार्टिंग से मुझे लगता था, क्योंकि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरी जो कॉमेडी थी, जो मेरी चीज़ें थी, तो मुझे मुझे ऐसा अंदर से फील आता था कि इंट्यूशन आता था कि मुझे इंजॉय कर रही होगी जनता। तो ये मुझे स्टार्टिंग से लगता था कि देखते टॉप 5 में तो जाना ही जाना है। तो जो मैंने सोचा वो चीज़ें हुई, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। भले जीत नहीं पाई, बट कोई बात नहीं, दुनिया का दिल तो जीता है ना। बिग बॉस में जो भी आता है उनका जो करियर होता है वो हमेशा पीक पे चला जाता है, और वैसे आपको कुछ ऑफर्स आए जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? यस, मुझे अभी कंटिन्यू ऑफर्स आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहे हैं। तो अभी बस मुझे यही है कि जब जल्दी मैं कुछ ना कुछ करूँगी और जल्दी आपको बताऊँगी। अगर आपको किसी रियलिटी शो में मौका मिला तो आप उसमें जाएंगी? हाँ बिल्कुल, मैं क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही पसंद किया है ज़्यादा, तो मैं उनको निराश बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं चाहूँगी कि कोई ऐसे शो में मैं जाऊँ जिसमें मैं जनता को हंसा सकूँ, वो हंसे और मुझे देख के खुश हो, तो ऑफकोर्स मैं जाना चाहूँगी। अर्चना, आप विनर के बारे में कुछ कहना चाहेंगी जो हाँ, मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमसी स्टैन को ट्रॉफी मिली है। एक यूनिक चीज़ हुई है इस बार बिग बॉस में, जैसे कि मैं बोलती थी कि ये बिग बॉस हिस्ट्री में याद रहेगा, तो शायद मुझे लगता है यही चीज़ होगी। तो बहुत अच्छा हुआ है, ऑल द बेस्ट बोली हूँ कि वो जीते हैं, और क्या बोलना चाहती हूँ, और बस यही चीज़ें थी। प्रियंका के लिए सबको बहुत ही उम्मीद थी कि वो जीतेंगे फिनाले, और इवन सलमान खान ने भी ये कहा था, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे अच्छा लगता है कि देखो क्या होता है, ट्रॉफी लेना ही जीत नहीं होती, आप वहाँ तक पहुँचे वो भी एक बहुत बड़ी जीत होती है। और अभी प्रियंका मूवीज़ कर रही है जैसा कि आपको पता है, और आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका बहुत आगे जाएगी, तो अच्छा है। और ट्रॉफी किसी एक को ही मिल रही थी, कोई बात नहीं, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन, कोई कुछ नहीं, इतना मायने नहीं रखता। बट हाँ, जो आपका काम है वो मायने रखता है, तो ठीक है, उसको जनता का प्यार मिला और अभी सम्मान भी मिला और इंडस्ट्री में काम भी मिल रहा, तो वो बहुत अच्छी है। एम सी स्टैंड जीतने के बाद काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा है, पब्लिसिटी मिल रही है उसको, और उसने कुछ अलग किया है, तो मे बी शायद इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि ये मतलब एक काबिले तारीफ है कि मतलब उस चीज़ को हटा के उस चीज़ पे उसने वो चीज़ की, तो मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट किया है इस बार, और इस बार डिफरेंट बिग बॉस हुआ है। आपके सबसे अच्छे दोस्त बिग बॉस में कौन कौन है? मेरे बिग बॉस में सभी लोग मेरे बहुत अच्छे हैं, पर सबसे ज़्यादा मतलब जिनसे मैं अभी कंटिन्यू बात करती हूँ डेली, प्रियंका है, सौंदर्या है, श्रीजिता है एंड जीना है, तो इन लोगों से मैं कंटिन्यू बात करती हूँ, गोरी है। ऐसे लोग जिनसे आप वापस नहीं मिलना चाहेंगे?
बिग बॉस में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं मिलना चाहूँगी, मैं सब लोगों से मिलना चाहूँगी। ऑफकोर्स हम लोग इंडस्ट्री में रहते हैं तो पार्टी वार्टी में जो भी आएंगे तो ऑफकोर्स मैं मिलना चाहूँगी। और इनफैक्ट मैं अभी जो फरहान की पार्टी में गई थी तो मैंने सबसे मिली हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ये नहीं करनी, सबके साथ हंसना बोलना है। हेलो, मैं हूँ आपकी अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं जूम टीवी पर। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।